राजीव नगर से लगे हुए ग्राम पारा गांव में से सूर्या राइस मिल से निकलने वाले बारीक राखड़ और फैलाई जा रही है गंदगी से मोहल्ले वासी काफी परेशान है। मोहल्ले वासियों ने इस बात को लेकर राइस मिल का घेराव किया। मोहल्ले वासियों का कहना था कि मिल से निकलने वाला बारीक राखड़ आने जाने वाले लोगों की आंखों में घुसकर काफी तकलीफ देता है। घरों के ऊपर बनाकर रखे गए बड़ी बिजौरी सहित अन्य खाद्य वस्तुओं के अलावा भीतर घुसकर खाने को यह राखड़ खराब कर देता है। घरों की छतों और आंगन में सूखे रहे गीले कपड़ों को खराब कर देता है। राखड़ के कारण लोग अपने अपने घरों के बाहर कुछ पल भी नहीं बैठ सकते। इतना ही नहीं, राइस मिल से निकलने वाला प्रदूषित और जहरीला पानी ने मिल के सामने इकट्ठा होकर लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इन सभी बातों की ओर मिल संचालक द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। मिल संचालक द्वारा हमेशा इस प्रकार की दिक्कत मोहल्ले वासियों के लिए पैदा की जाती है। विरोध करने पर दिखावे के लिए कुछ दिन व्यवस्था सुधारी जाती है, लेकिन फिर वही हाल हो जाता है। विरोध कर रहे मोहल्ले वासी काफी उग्र थे, जिसे देखते हुए मिल संचालक की अनुपस्थिति में उनके मुंशी द्वारा लोगों को आश्वस्त किया गया कि एक दो दिन के भीतर मोहल्ले वासियों की परेशानियों को दूर करने आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इसके बाद मोहल्ले वासियों ने ऐसा न होने पर चेतावनी देते हुए लौट आए। बता दें कि अंचल में अनेक ऐसे राइस मिल संचालित है जिनसे निकलने वाला धुआं जनजीवन के लिए काफी खतरनाक साबित होता जा रहा है। राइस मिलों से निकलने वाला राखड़ ग्राम वासियों के लिए परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। बहुत राखड़ गिरते और एकदम बारिश असन कुछ भी सूखो निपान कपड़ा ना काका के बाहर में नहाबो कबत नहा निपान सब में खाना पीना सब में रखड़ रखड़ एकदम बहुत परेशान पानी वानी सब है राइस मिल के से पूरा रखड़ रखड़ हाँ और पूरा दलितर है यहाँ पे एकदम बहुत ज्यादा पूरा एकदम गिरत रही आने जाने वाले ऊपर पूरा आँख में एकदम पड़ी मैं अभी पूरा झाड़ू लगा उसके बाद पूरा आखड़ का परत हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे बच्चे लोग को बाहर नहीं निकाल पाते हम लोग। छोटे बच्चों को बाहर निकालना जरूरी रहता है, कोई कपड़ा बाहर सुखा नहीं पाते। कोई भी सब्जी वगैरह कुछ भी लाओ धो उसके बाद में फिर वही राखड़ राखड़ रहता है। बर्तन साफ करो, साफ करके बर्तन को तुरंत अंदर कर ही नहीं सकते, पूरा बर्तन राखड़ में हो जाता है। नहाने का पानी कोई भी पानी भरो पीने का पानी। सेहत से आप लोग को असर पड़ रहा है इसका? सेहत पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। आग में जाता आए दिन हम लोग को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है आग से कचरे निकलाने के लिए। जाएंगे उसका क्या बोलते हैं 200 रुपए 300 रुपए 8 दिन दे रहे हैं आग के डॉक्टर। हम लोग ये राखड़ से बहुत परेशान है, राखड़ और गर्दा से। हम लोग खाना वाना बनाने में भी परेशानी है, पानी लाते हैं बाहर से पानी में भी कचरा पड़ जाता है। खाना को कूलर में रख नहीं सकते, पूरा कचरा हो जाता है वहाँ भी। रास्ते में अपना वो गर्दा वाला ब्लोअर निकाल दिया है मेन रोड में, उससे आने जाने में परेशानी। आज दिन पूरा आग डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उससे जब गर्दा से चिपक खुजली वगैरह शरीर में खुजली वगैरह उत्पन्न हो रहा है, ये सब परेशानी। हम आप सबके क्या मांग है? परेशान हो गए हम लोग, मानी नहीं रहा मिल वाला। मांग क्या है आप सबकी? मांग ये है कि ये गर्दा बंद होना चाहिए और राखड़ बंद होना चाहिए, इससे परेशानी से मुक्ति हो। क्या पूरा पारा गांव, पूरा गांव पारा गांव की जनता लोग इतना परेशानी है, राखड़ भूसा और दलित्री के नाम से ये देखिए दलित्री है, इससे पूरा प्रदूषण फैल रहा है। यहाँ पूरा खाना पीना चावल में आ रहे थे राखड़, आदमी खा रहे हैं पानी में भी राखड़ आ रहे हैं खा रहे हैं, उससे पूरा प्रदूषण आ रहा है, पूरा बीमारी इसी तरह से फैल रहा है। मेरा इन राइस मिल वाले लोग से कहना है कि पूरा साफ सफाई और स्वच्छता रखें और रखड़ वखड़ और करता है उसको थोड़ा सुरक्षित बचाव के लिए पूरी जनता के लिए करिए करने की कष्ट करें। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.